इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर न्यू मार्केट में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हैं। यहां पर 1 जून से मार्केट खोलने के पहले व्यापारियों को समझाइश दी जा रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के लिए भी बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एक कोविड सेफ्टी टीम भी बनाई गई है, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहाँ पर कोरोना जो कर्फ्यू में ढील दी जा रही है उसका पालन करवाना है। टीम में निगम, राजस्व और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मंत्री विश्वास सारंग भी न्यू मार्केट में हैं, जहां पर व्यापारियों को समझाइश दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही एक इस बात की जानकारी भी दी जा रही है कि कोविड सेफ्टी टीम बनाई गई है। इन टीमों में निगम के साथ ही राजस्व के और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालेंगे और कोरोना कर्फ्यू में जो ढील दी जा रही है उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए इस कर्फ्यू का, इस ढील का पालन करवाएंगे व्यापारियों से। आइए आपको सुनाते हैं इस वक्त मंत्री विश्वास सारंग मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं। जो कल से हम कोरोना कर्फ्यू का जो विड्रॉल कर रहे हैं, उसमें हमने भोपाल में सभी मार्केट की निगरानी के लिए कोविड सेफ्टी टीम का गठन किया है, CST, एक नया प्रयोग किया है, जिसमें हमारे रेवेन्यू के, नगर निगम के और पुलिस के कर्मी रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर दुकान पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कल से ओपन होनी है। आज जिन जिन दुकानों पर व्यवसाय शुरू होगा उसके सामने गोले बनाना, हमारे जो CST के सदस्य हैं उनका और दुकानदारों का मेल मिलाप, और कल से पूरी तरह से व्यवसाय की शुरुआत, और ये सुनिश्चित करना कि उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, इसकी आज हमने शुरुआत की।